हाय गाइस, वेलकम टू द नील शो। सो आज हम बनाने वाले हैं जूट क्लॉथ से प्लाजो। ये जो जूट क्लॉथ मैंने यूज़ किया है, ये है सॉफ्ट जूट और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट है। तो इस प्लाजो को बनाना बहुत आसान है और इस टाइप के प्लाजो जो है बहुत सारे ड्रेसेस पे सूटेबल होते हैं। तो इनको कैसे बनाना है, लेट्स सी नाउ। तो ये देखिए, ये है हमारा जूट क्लॉथ, दिस इज़ सॉफ्ट जूट। ये मैंने ख़रीदा है 160 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से और मैंने लिया है 2.5 मीटर। ये पर्टिकुलर प्रिंट मैंने लिया था हैदराबाद तरुणी से। तो इस 2.5 मीटर के कपड़े को मैंने 2 बार फोल्ड किया है। तो जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वो फोल्डेड साइड है और जो नीचे की साइड दिख रहा है वो ओपन साइड है। तो अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से 5 इंच की मैं मार्किंग करूंगी यहाँ पे। सो यहाँ पे याद रखिएगा, ये पॉइंट है हमारा फोल्डेड साइड। तो 5 इंच की मार्किंग, मैं एक लंबा सा लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये लाइन में से बनाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस। तो मैंने इसलिए डार्क किया है ताकि आपको समझ में आए। और ऊपर से हम अपने वेस्ट का हिसाब लगा के उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो आपने जितना भी वेस्ट लेना है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके प्लस आप 1 इंच लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने 12 इंचेस लगाया है। अब इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने 12 इंचेस लगाया है, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। याद रखिएगा, आपका जितना भी वेस्ट है प्लस 4 इंचेस करें और उसको डिवाइडेड बाय 4 करें और जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको आपने यहाँ लगाना है। अभी इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 90 डिग्रीज में एक लाइन बनानी है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं एक बार मार्किंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम मेजरमेंट लगाएंगे इस पर। तो मुझको यहाँ पे चाहिए 15 इंचेस का डेप्थ। आप अपने हिसाब से डेप्थ कम या ज़्यादा रख सकते हो, आपको जितना भी क्रॉच एरिया डेप्थ चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हो। 15 इंचेस रखने से होगा ये कि इट विल ऑलमोस्ट लुक लाइक अ स्कर्ट, मतलब पूरा का पूरा ये स्कर्ट टाइप लगेगा। ये हमने 15 इंच का डेप्थ में मार्क कर लिया। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर में हमने 2 इंचेस का लाइन बनाना है जो कि हम अपना क्रॉच का कर्व बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 2 इंचेस, अब हम इसमें एक कर्व बनाएंगे इस तरह से। तो क्रॉच एरिया भी तैयार हो गया। अब हमने अपनी हाइट मार्क करनी है। मुझे 40 इंचेस के हाइट का प्लाजो चाहिए तो मैं यहाँ पे 37 इंचेस मार्क कर रही हूँ, 37.5, ताकि जब मैं बेल्ट लगाऊं तो इट विल बी 40 इंचेस। तो यहाँ पे 37.5 मैं मार्क कर रही हूँ। और ये जो स्लैंट लाइन है, जो टेढ़ी लाइन है, उसके रेफरेंस से हमने ये पूरा का पूरा नीचे का जो मार्किंग है करना है। तो बस देखिए, ये जो टेढ़ा लाइन है इसको हम करेंगे और 1/2 इंच हम देंगे सीम अलाउंस और इस तरह से हम मार्क करेंगे। और जो ओपन साइड है उसका एंड और क्रॉच एरिया को हम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये जो है पूरा का पूरा प्लाजो कट करके अलग कर लिया। ये है मेन पार्ट, अब हम बेल्ट का जो कटिंग है वो करेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है मुझे चाहिए 3 इंच की, तो इसीलिए फोल्ड करने के बाद वो 3 इंच का होना चाहिए। तो इट विल बी बेसिकली 6 इंचेस। तो 6 पे मैं 1 इंच का सीम अलाउंस रख रही हूँ। तो पहले अपने कमर के हिसाब से आप मार्किंग कर। तो ये 7 इंच से मैंने मार्किंग की है और हम अब इस कपड़े को अलग करेंगे। ये जो है ये 4 लेयर में है, तो आप अपने कमर के हिसाब से ये कमर का जो बेल्ट के लिए कपड़ा है वो मार्क करके आप कट कीजिएगा। तो ये 7 इंचेस फोल्ड करने के बाद होगा 3.5 और सीम अलाउंस के जाने के बाद हो जाएगा 3 इंचेस। तो 3 इंचेस प्लस 37 विल बी 40 इंचेस। ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नाड़ा किसी और कलर का भी लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर का नाड़ा लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं मैचिंग लगाना चाहती हूँ मैंने तो सेम कपड़ा लिया है। तो दैट्स इट, अभी चले हम सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्रॉच एरियाज है उसको कमर तक ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये दोनों राइट साइड जो है अंदर की तरफ रख के हम क्रॉच एरिया और कमर का एरिया जो है वहाँ तक पूरा एक सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें
अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टिच आप इसको पीको भी करें, मतलब ओवरलॉक भी करें. कॉटन यूजुअली जो है खुलता नहीं है, बट टू बी सेफ साइड यू शुड डू इट. और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सॉफ्ट जूट टाइप का कॉटन है, तो ये पक्का खुलेगा. तो इसको मैं ओवरलॉक ज़रूर करूँगी, तो आप भी कीजिएगा. इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया और ओवरलॉक भी कर लिया. अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है कमर का, उसको हमने पीछे के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करके इस पूरे प्लाजो को ओपन कर लेना है. तो इस तरह से हम प्लाजो को ओपन करेंगे. अभी आप देख सकते हो कि दोनों जो लेफ्ट लेग और राइट लेग है दोनों अलग हो चुके हैं. तो अब हमने क्रॉच एरिया से शुरू करते हुए, ये दोनों क्रॉच एरिया को मैच करते हुए हमने नीचे तक ज्वाइन लगा लेना है इस तरह. तो मतलब कि राइट साइड का लेग और लेफ्ट साइड का लेग दोनों सेपरेटली हमने ज्वाइन कर लेनी है. तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों लेग्स जो हैं उनको स्टिच कर लिया और पीको भी कर लिया. अब है लास्ट स्टेप, ये दोनों लेग्स को जो है हमने नीचे से फोल्ड करना होगा. तो कपड़े को हम एक बार इस तरह बारीक सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको एक और बार फोल्ड करेंगे ताकि एकदम नीटली लॉक हो जाए. तो आप सिलाई लगाते वक्त एक ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये कपड़ा जो है थोड़ा सा क्रॉस होगा, क्योंकि हमने कमर के पास से क्रॉस कटिंग की थी. तो इसको हमने बहुत ध्यान से फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप फोल्ड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस क्लॉथ है. तो इस तरह से हमने दो बार फोल्ड करके इस पे स्टिच लगा लेनी है. तो ये देखिए, तो इस तरह से हमारे दोनों लेग्स के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो चुके हैं. धागा हटा देंगे एक्स्ट्रा. तो अभी हमारा प्लाजो ऑलमोस्ट रेडी है. अभी जो आखिरी स्टेप है वो है ये कमर के पार्ट पे हमने बेल्ट लगाना है. तो जैसा कि हमने पहले ही कट करके रखा हुआ था 7 इंच का बेल्ट का कपड़ा, उस कपड़े को हम इस सेंटर पॉइंट से शुरू करके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नाड़ा जो है मैं इस बार बीच से डाल रही हूँ. अगर आपको नाड़े में ही लटकन लगानी है तो आप साइड से लगाएं ओपनिंग, ताकि वो एकदम अच्छे से दिखे. लेकिन क्योंकि मैं लाड़ा जो है बीच से डालना चाहती हूँ, तो मैं बीच से लगा रही हूँ. तो ये जो कपड़ा है बेल्ट को दोनों तरफ से हम पहले लॉक कर लेंगे, और बेल्ट जो है वो सीधी तरफ मतलब राइट साइड ऊपर रखेंगे, और प्लाजो का राइट साइड भी उसके ऊपर रख के सेंटर से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे. तो जो भी आपका फ्रंट आप रखना चाहते हो, वैसे बेसिकली दोनों साइड इक्वल है, तो आप कोई भी कमर का जॉइंट से आप शुरू कर सकते हो, आगे पीछे कुछ नहीं होगा फिलहाल. जैसे ही आप बेल्ट लगाओगे तब प्रॉपरली आगे पीछे हो जाएगा. तो इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच करना है और एज यूजुअल पीको भी करना है. तो ये देखिए हमारा बेल्ट जो है अटैच हो गया है. अब हमने क्या करना है, इस बेल्ट को सीधी तरफ से ज्वाइन करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेल्ट का जो कपड़ा है उसको स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद हम इस पे ज्वाइन लगाएंगे. तो ये जो कपड़ा है इसको हमने स्ट्रेट किया, और जो सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ रखा, और बेल्ट को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, और इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर दिया. तो ये देखिए पूरा का पूरा बेल्ट जो है लग चुका है. अब हमारा प्लाजो तैयार है. तो एक्स्ट्रा धागा हटा लेंगे. तो हमारा प्लाजो रेडी हो गया. अब तो अभी है लास्ट स्टेप की बारी. लास्ट स्टेप है नाड़ा लगाने का. तो जैसा कि मैंने कहा, इसको हम दो बार फोल्ड करेंगे दोनों साइड से अंदर की तरफ, और फिर सेंटर से हम इसको एक और बार फोल्ड लगाएंगे, ताकि जो भी ओपनिंग है कपड़े का पूरा अंदर चला जाए और नाड़ा जो है अच्छे से सिक्योर रहे. तो इस पे हमने सिंपल सीधी स्ट्रेट स्टिच लगानी है. तो इट्स वेरी इजी. तो ये देखिए हमारा नाड़ा जो है तैयार हो. नाड़े के साइड पे थोड़ा सा हम ओवरलॉक कर लेंगे, ताकि जो धागा है वो खुले ना, क्योंकि ये जूट कपड़ा है, इसको दो बार फोल्ड करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा. इसलिए मैं इसको सिंपल पीको लगा रही हूँ दोनों तरफ. तो ये हमारा नाड़ा भी तैयार हो गया है. तो दैट्स इट, प्लाजो इज रेडी.
तो ये जो सॉफ्ट जूट क्लॉथ का जो प्लाजो है वो बहुत ही सुंदर है, और ये किसी भी ड्रेस पे जाएगा। आप चाहे तो इसको टी शर्ट के नीचे पहने, लॉन्ग कुर्ती के नीचे पहने, क्योंकि ये क्रीम और ब्लैक है तो ये कॉम्बिनेशन किसी पे भी सूट हो जाएगा। तो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।